स्वागत है आप सभी का दोस्तों मेरे चैनल प्रोग्रामिंग विद नितिन में। इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं कि गूगल मीट पे आप मीटिंग कैसे शेड्यूल कर सकते हैं, वो भी मोबाइल का यूज़ करके। तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको गूगल कैलेंडर ओपन करना है आपके मोबाइल में। जैसा कि आप देख रहे हैं आपका कैलेंडर कुछ इस तरह से दिखाई देगा। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ से ये जो ऊपर तीन लाइन्स दिख रही है इसके ऊपर क्लिक करना है। अब आप यहां देख सकते हैं कि यहां पे मेरे बहुत सारे अकाउंट्स जो हैं वो कनेक्टेड हैं ऑलरेडी, क्योंकि मेरे सारे अकाउंट्स यहां पे ऐड हैं ऑलरेडी, तो मुझे अकाउंट ऐड करने की तो कोई ज़रूरत नहीं है। अब मुझे क्या करना है, मुझे ये जो प्लस का जो बटन दिख रहा है नीचे कोने पे, इसके ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पर इस तरह के ऑप्शन आते हैं। अब आपको इवेंट के ऊपर क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऐड टाइटल आ गया है। इवेंट्स के नीचे यहाँ पर मेरी एक ईमेल आईडी दिखाई दे रही है। अगर मुझे इस ईमेल आईडी के थ्रू मेरी मीटिंग को शेड्यूल करना है तो मुझे इसको यही रहने देना है। अगर मुझे चेंज करना है तो यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे इतनी सारी ईमेल्स आईडी आ जाएंगी। तो आपको इसमें से कोई भी एक ईमेल आईडी को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मान लीजिए मैंने ये वाली ईमेल आईडी को सिलेक्ट कर लिया, तो अब क्या होगा कि इस ईमेल आईडी से मीटिंग जो है वो शेड्यूल हो जाएगी और आप जब गूगल मीट पर जाएंगे तब आपको इसी ईमेल आईडी को यूज़ करना रहेगा। अब ये हो गया है। अब आप अगर चाहते हैं तो यहाँ से आप डेट सेलेक्ट कर सकते हैं, डेट के ऊपर क्लिक करके। ये स्टार्ट टाइम है और ये एंड टाइम है, ठीक है। अगर आप रिपीट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आप किसी को इस मीटिंग का नोटिफिकेशन भेजना चाहते हैं तो आप ऐड पीपल के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, आपको ऐड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आपने ऐड करा, गूगल मीट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग डिटेल्स एडेड हो गया है। अब यहाँ पे आपको एक बेल आइकन दिख रहा है, वहाँ पे 30 मिनट्स बिफोर दिखा है। तो आप यहाँ पे क्लिक करके चेंज कर सकते हैं कि आपको कितनी देर पहले नोटिफिकेशन चाहिए। बाय डिफॉल्ट 30 मिनट्स बिफोर का यहाँ पे सेट है। यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, कुछ भी। यहाँ पे आप टाइटल लिख सकते हैं, माई डांस क्लास मान लीजिए मैंने यहाँ पर ये लिख दिया। डिस्क्रिप्शन आप देना चाहे तो आप दे सकते हैं, वरना आप ये सेव कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं ये जो इस तरह का नोटिफिकेशन आएगा इसने आपको देके बता दिया है, और ये माय डांस क्लास का जो है यहाँ पे जो मीटिंग है वो शेड्यूल हो गया है। अब अगर आपको आपकी शेड्यूल करी हुई मीटिंग का कोड कॉपी करना है तो आप गूगल कैलेंडर के ऊपर जाइए और जो आपकी मीटिंग ये शेड्यूल आपको दिखाई दे रही है माय डांस क्लास, इसके ऊपर आप क्लिक करिए। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये ज्वाइन विद गूगल मीट करके नीचे गूगल मीट का यूआरएल आपको दिया हुआ है। आप इसको शेयर करके अपने पास कॉपी कर लीजिए, कॉपी टू क्लिपबोर्ड आप कर लीजिए। तो ये जो मीटिंग यूआरएल है ये कॉपी हो गई है। अब आप इसको किसी के भी साथ शेयर कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप पर अगर शेयर करना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप की चैट पर जाइए और डायरेक्टली इसे पेस्ट कर दीजिए, ये वहाँ पर पेस्ट हो जाएगी। तो इस तरह से आप जो है मीटिंग की यूआरएल को कॉपी करके किसी को भी सेंड कर सकते हैं। ये जो होम बटन है यहाँ, तो इससे आप चले जाइए। अगर आपको बंद करना है तो आप इससे ऐसे प्रेस करके बंद कर दीजिए। तो आपको गूगल मीट पे जाना है, यहाँ पे तीन बार्स के ऊपर आपको क्लिक करना है और यहाँ से वो अकाउंट आपको सिलेक्ट कर लेना है जो आपने वहाँ पे यूज़ करा था। तो ये मैंने अकाउंट सिलेक्ट कर लिया है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरी जितनी भी अपकमिंग मीटिंग्स होगी यहाँ पे आ जाएंगी। जैसे मेरी आज की जो है वो एक मीटिंग अभी जो मैंने शेड्यूल करी थी 5:30 बजे की, वो यहाँ पे है। इसको मैं स्वाइप अप करता हूँ तो यहाँ पे जितनी भी मीटिंग्स होगी अगर आज की होंगी तो वो दिखाई देगी। अब गूगल मीट में एक ये प्रॉब्लम है कि ये गूगल मीट के सॉफ्टवेयर पे आपको मीटिंग्स तभी शेड्यूल दिखाता है जब वो उस डेट के लिए शेड्यूल होती है। जैसे मान लीजिए आज की जो शेड्यूल मीटिंग है वो ही मुझे दिखाएगा, कल की जो शेड्यूल मीटिंग है वो मुझे यहाँ पे नहीं दिखाएगा। यहाँ पे वो मीटिंग मुझे कब दिखाएगा, जब आने वाले कल की जो डेट है जब वो स्टार्ट हो जाएगी, मतलब रात के 12 बजे के बाद, तब वो यहाँ पे मीटिंग्स आपको दिखाना शुरू करेगा। गूगल मीट के अंदर वो सिर्फ एक ही दिन की जितनी भी मीटिंग्स होती है वो दिखाता है, नेक्स्ट डे की, और सिर्फ आगे आने वाले डेज की मीटिंग आपको यहाँ पे नहीं दिखाता, पर्टिकुलर डे की मीटिंग दिखाता है कि आज इतनी इतनी मीटिंग्स आपके पास है। तो आपको एक चीज़ ये ध्यान रखनी है कि गूगल मीट पे आपको मीटिंग्स जो है वो जिस दिन की मीटिंग होगी उस दिन ही आपको दिखाई देगी। बट हाँ, आप कैलेंडर पे जाके सारी मीटिंग्स देख सकते हैं कि आपके पूरे मंथ की कितनी मीटिंग्स जो है वो शेड्यूल्ड है उसके ऊपर, कैलेंडर के ऊपर। तो कैलेंडर से ये सिंक्रोनाइज होता है और वहाँ से सारी मीटिंग्स को अपने आप उठाता जाता है। दोस्तों, इस ट्यूटोरियल में बस इतना ही।
अगर आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया हो, ये छोटा सा वीडियो पसंद आया हो, इससे आपको अगर हेल्प मिली हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए। एक बार फिर आप लोगों से मुलाकात होगी मेरे नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। स्टे सेफ, स्टे एट होम।